भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो अचमोली के मुसलमानों, याद रखो ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म के झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने के तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं थी ना रहेगी, मजलिस सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है, मजलिस उस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, जिसका जिक्र भारत के प्रियाम्बल में किया गया। हम उस सेकुलरिज्म को मानते हैं। ये जो सियासी सेकुलरिज्म समाजवादी पार्टी हो या BSP हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देने के लिए इस्तेमाल करती है। और फिर दूसरी जानिब BJP मुसलमानों का खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, चक्की के दोनों पार्ट में हम पीछे जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये आपकी लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी इज्जतदार माओं की आंखों में जो आंसू बहते रहते हैं उन आंसुओं को पोषने की, उन आंसुओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिनकी गोद में मासूम बच्चे हैं, ये लड़ाई उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई है। हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस के गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्ज़ाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको एक करवट लेना है, अगर आज आप करवट नहीं लेंगे नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो अचमोली के मुसलमानों, याद रखो ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPs के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने
बीजेपी के 3 सीएमपीओ के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो, तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है, ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया BSP ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था।